और इस धरती पे, अरे उनके सात बारह दीवा पाटिल का है, गांव दीवा पाटिल का है, नाम दीवा पाटिल का है, दीवा पाटिल ने गोली खाई है, दीवा पाटिल का खून गया है, उसके साथ हमारे सैकड़ों जो संख्या में हमारे माता बहन का स्तर तोड़ा है, अरेस्ट अनेक लोगों को यहाँ पर अरेस्ट हुआ है, ऐसे होते हुए पांच हुतात्मा हुआ है, उनका बलिदान देना पड़ा, और तभी वो लोग क्या था जो अभी हमारे बाप का नाम दो, हमारे बाप का नाम दो, तो वो तब कहाँ थे, तब देखने को आए यार जो हम लोग मर रहे थे, या देखने आते तो तुम्हारा नाम देता था, इधर नाम देना चाहिए। तो दीवा पाटिल ये ओबीसी समाज का, आगरी समाज का, दलित समाज का मसीहा है, और उनका ही नाम ये एयरपोर्ट को देना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने ये भी सोचना चाहिए, अरे तुम्हारे गांव में तुम्हारा नाम दो ना, बराबर है, तुम नाम देने के लिए हमारे गांव में क्यों आता है, हम तो झुकी झुकड़े में रहने वाले लोग हैं, हमारा ये मसीहा था तो उसका नाम देना चाहिए। उनके पास सत्ता है, सरकार है, उनका गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को अरेस्ट करेंगे, लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एयरपोर्ट का काम ही नहीं होने देंगे ना, कि 33 पैसा जो परसेंट पैसा है वो हमारा है, तो इसके लिए हमारे पैसे पे हम ठहरेंगे ना किसका नाम देने का, और हम आदानी को इधर काम नहीं करने देंगे, पूरा प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो नाम देंगे कहाँ से। इधर जो है, इधर चाहिए हमको दीवा पाटिल का नाम, और दीवा पाटिल का नाम रहेगा। सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, और हम सरकार को झुकाएंगे, हम सरकार को झुका के ही छोड़ेंगे, और नाम दीवा पाटिल का देंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।